नमस्कार दोस्तों, मैं मलिक स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल और Facebook लाइव में। तो आज मैं जो आपसे बात करने वाला हूँ वो एक हमारा टॉपिक जो है मदरबोर्ड के ऊपर होने वाला है। मदरबोर्ड एक्चुअली क्या है, आपने हमारी वीडियो देखी होगी, मैं डेली हमारे चैनल पे एक दो वीडियो आ रही है, कभी सैमसंग BJ254 की आ रही है, कभी सैमसंग डुअल डेकर की आ रही है, कभी फ्रेश मदरबोर्ड की आ रही है। तो कुछ लोगों की कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कैसी है कि हम किन मदरबोर्डों में डील कर रहे हैं, कौन कौन से मदरबोर्ड होते हैं और किस तरीके के होते हैं और उनके बारे में हम वो कैसे आप बाय कर सकते हैं, क्या उनका यूज है। तो मैं आज आपको सारी बातें बताने वाला हूँ मदरबोर्ड के ऊपर। तो जैसे आप देख रहे होंगे ये मेरे पास मदरबोर्ड है, दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं मदरबोर्ड है और आईसी भी है। तो अब मैं जो बात करने वाला हूँ आपसे, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हमारे पास होता है एक ये मदरबोर्ड जो आप देख रहे होंगे, इसमें आपको दिख रहा होगा कि MMC निकली हुई है। तो ये जो मदरबोर्ड होते हैं ये हमारे पास मिक्स मॉडल में होते हैं, जैसे आपका Y2, A2 कोई भी मॉडल हो सकते हैं, MI के, ओप्पो के, वीवो के, OnePlus के या कुछ भी, इसमें हम मॉडल नहीं छाटते क्योंकि ये लाखों पीस हमारे पास आता है और जाता भी ऐसे ही है प्रैक्टिस के लिए। तो ये जो आपको मदरबोर्ड होता है इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो अराउंड 200-250 रुपए के आसपास होती है, जो आपको हमारे यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो हमारे पास एक ये मदरबोर्ड होता है जिसमें विद CPU और विद MMC भी होती है, ठीक है, लेकिन MMC जो है वो 254 वाली नहीं होती। आप जो लोग सैमसंग की जो मतलब ट्रांसफरेबल होती है वो ये MMC नहीं होती। तो ये भी आप एक प्रैक्टिस पर्पज पे ले सकते हैं, ये 300-350 रुपए के समथिंग हमारा होता है। उसके बाद मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास एक मदरबोर्ड होता है सैमसंग डुअल डेकर। सैमसंग डुअल डेकर जितने भी इंस्टीट्यूट है, जो इंस्टीट्यूट वाले अपने स्टूडेंटों को प्रैक्टिस कराते हैं या फिर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं जैसे, तो ये हमारे पास डेड मदरबोर्ड होते हैं डुअल डेकर के, जिसमें आपको UFS और MMC लगी हुई होती है, वाइट ग्लू लगी हुई होती है, यानी कि वाइट ग्लू लगे हुए मदरबोर्ड होते हैं। आप इसकी वाइट ग्लू काट के ग्लू काटना सीख सकते हैं, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप कभी भी कोई डुअल डेकर का फोन बनाएं तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना आए। तो ये मैंने आपको बताया, इसका जो रेट होता है 600-700 रुपए अराउंड के आसपास होता है, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये वाले मदरबोर्ड, जैसे आप ये देख रहे होंगे ये मदरबोर्ड मैं बात करूं तो ये हमारे पास होते हैं सैमसंग की BJ, ये देखिए जैसे इसमें ये MMC लगी हुई है, तो ये मदरबोर्ड होते हैं हमारे पास सैमसंग BJ254 254 MMC 64 GB में, 221 भी हमारे पास मिल जाती है 32 में, और ये IC वाले मदरबोर्ड होते हैं, यानी कि जिन्हें हम बोलते हैं BJ254 या 221 IC विद मदरबोर्ड, ठीक है। तो ये IC आपको इसमें से निकालनी होती है, निकाल के आप फिर इसे RPM भी क्लीन वगैरह करके दूसरे फोन में इसे लगा सकते हैं। IC जो होती है मोस्टली वर्किंग होती है, लेकिन इस चीज की कोई भी गारंटी या वारंटी हम लोग नहीं लेते कि हाँ ये वर्किंग होगी, ये वर्किंग करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि निकालते टाइम भी काफी बार क्या होता है कुछ स्टूडेंटों से या कुछ लोगों से ये खराब हो जाती है। तो ये जो मदरबोर्ड होते हैं ये आपको 700-800 रुपए के आसपास ही आपको मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है जिन लोगों को मान लीजिए मदरबोर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है और सैमसंग BJ254 64 GB की MMC अगर चाहिए, सिर्फ ये सैमसंग की MMC होती है जो आपकी लग जाती है, तो आप हमारे यहाँ से ये सैमसंग की MMC भी ले सकते हैं, जिसका रेट 800-900 रुपए के समथिंग हमारे पास अवेलेबल होता है। आप कितनी क्वांटिटी में हमारे पास ले सकते हैं, तो ये मैंने आपको ICO के बताया, BJ254 के बताया। उसके बाद हमारे पास ये जैसे आप देख रहे हैं Redmi 9, ठीक है, उसके बाद आप ये चेक कर पा ही रहे हैं Note 4, ये देखिए Note 4, ठीक है, और ये देखिए ये A5 2020, ये इस तरीके के। फिर हमारे पास बिल्कुल जो है S1, ये आप देख सकते हैं S1 Pro। तो ये जो मदरबोर्ड होते हैं हमारे, ये कंप्लीट फ्रेश मदरबोर्ड होते हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं कि सील्ड भी इनकी नहीं उतरी हुई है। आप इन्हें इनके कनेक्टर, इनके IC, इनकी हर चीज आप ले सकते हैं। इसमें MMC भी लगी होती है, UFS जो भी मतलब इसके अंदर होता है वो सारी चीजें इसके अंदर लगी होती है। तो ये जो मदरबोर्ड होता है 1500 से 1800 या 1400-1500 रुपए के समथिंग इसका रेट हो जाता है। तो ये मदरबोर्ड आप ले सकते हैं, इन्हें आप एक तरीके से कह सकते हैं स्वैपिंग PCB, आप इनपे अपना अगर आपका मदरबोर्ड खराब हो गया है तो आप इनपे स्वैप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सैमसंग पे, तो सैमसंग पे हमारे पास होते हैं जैसे J7 है, J7 2016, J2, J6, J3, तो ये J7 की सीरीज भी हमारे पास मिल जाती है और बहुत सस्ती रेटों में 400-500-600 रुपए के आसपास इसके रेट होते हैं। वो आप जब हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करेंगे, आप उनसे रेटों का पता करेंगे तो आपको रेट बता देंगे। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया
अब मैंने सैमसंग डुअल टैकर का आपको बता दिया था, अब हमारे पास होते हैं सैमसंग के फ्रेश मदरबोर्ड। अब ये फ्रेश मदरबोर्ड जो है वो कैसे है? बहुत लोगों की इंक्वायरी होती है कि ये फ्रेश है तो हम क्या इन्हें कस्टमर को डाल के दे सकते हैं, कस्टमर खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मदरबोर्ड जो होते हैं ये हमें कंपनी से आते हैं जिनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है वो हमें नहीं पता। जैसे ये मान लीजिए हैंग ऑन लोगो होगा या कोई और समस्या होगी या किसी तरीके से, लेकिन इसका क्या है कि आप इस पे जब प्रैक्टिस करते हैं सैमसंग डुअल टैकर की कोई भी, तो आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आप इसमें स्वैप कर सकते हैं अपने मदरबोर्डों को। तो ये भी एक तरीके से सैमसंग की पीसीबी हमारे पास होती है और जो आपको 1500-1800 रुपए में मोस्टली मिल जाती है। उसके अलावा हमारे पास विद फ्रेश रेडमी नोट 9 10S वगैरह भी मदरबोर्ड मिल जाते हैं जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं, आप डायरेक्ट कस्टमर को भी डाल के दे सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास मदरबोर्ड होते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में, अब एक्चुअली वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानकारी में समझाया जाए तो, आप नेक्स्ट पार्ट भी हमारा मदरबोर्ड के ऊपर आएगा, आईसीयू के ऊपर आएगा। और आप क्या देखना चाहते हैं इसके अलावा भी आप कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाएंगे बहुत जल्द। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और लाइक जरूर, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।